नमस्कार दोस्तों, SAS पार्ट टू में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की ये वीडियो SAS पार्ट टू के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पेपर से संबंधित है और पेपर की रेफरेंस के साथ ये वीडियो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की इंट्रोडक्शन वीडियो है। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पार्ट में डिवाइड किया गया है और हर पार्ट में आर्टिकल्स दिए गए हैं और लास्ट में शेड्यूल्स दिए गए हैं। शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 22 पार्ट्स थे और 395 आर्टिकल्स थे और लास्ट में 9 शेड्यूल्स दिए गए थे। पर दोस्तों, अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अब 25 पार्ट्स हैं और टोटल 448 आर्टिकल्स हैं और इसमें टोटल 12 शेड्यूल अब हो चुकी है। नेक्स्ट, हम इन 25 पार्ट में से SAS सिलेबस में जो पार्ट्स दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और शेड्यूल सभी की सभी रीड करेंगे। इसके बाद इन पार्ट्स की थोड़ी थोड़ी जानकारी रीड करेंगे कि ये पार्ट किस किस मैटर से संबंधित हैं। तो दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन उसी टाइम मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में से जो हमारे सिलेबस में है वो हम अब रीड करने वाले हैं। दोस्तों, जो पार्ट हमारे सिलेबस में है उनमें जो आर्टिकल इलेक्शन, कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर इलेक्शन, क्वालिफिकेशन, प्रोसीजरल डिटेल्स एंड जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स आदि से संबंधित आर्टिकल भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फर्स्ट पार्ट हमारे सिलेबस में है जो है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। उसके बाद फिफ्थ पार्ट द यूनियन, सिक्स्थ पार्ट द स्टेट्स, सेवंथ पार्ट को खत्म कर दिया जा चुका है, एट्थ पार्ट द यूनियन टेरिटरीज जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूटीज भी बोलते हैं, नाइन्थ पार्ट द पंचायत्स, नाइन्थ ए पार्ट द म्यूनिसिपैलिटीज, टेंथ पार्ट द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, इलेवेंथ पार्ट रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, ट्वेल्थ पार्ट फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, 14 पार्ट सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, 17 पार्ट ऑफिशियल लैंग्वेज, 18 पार्ट एमरजेंसी प्रोविजंस, 19 पार्ट मिसलेनियस, 20th पार्ट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 21st पार्ट टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। तो ये सभी पार्ट SAS पार्ट टू के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पेपर के सिलेबस में दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फर्स्ट शेड्यूल लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज है, सेकंड शेड्यूल पे ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अदर जजेस एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित है, थर्ड शेड्यूल में फॉर्म्स ऑफ ऑथ दिए गए हैं, फोर्थ शेड्यूल में दिया गया है कि डिफरेंट स्टेट्स में काउंसिल ऑफ स्टेट्स की कितनी सीट्स हैं, फिफ्थ शेड्यूल में प्रोविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज दिए गए हैं, सिक्स्थ शेड्यूल में प्रोविजंस फॉर ट्राइबल्स एरियाज दिए गए हैं, सेवंथ शेड्यूल में यूनियन लिस्ट जिसको लिस्ट वन बोलते हैं, लिस्ट टू स्टेट लिस्ट दी गई है और लिस्ट थ्री कंकरेंट लिस्ट दी गई है, एट्थ शेड्यूल में लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस दी गई हैं, नाइन्थ शेड्यूल में सभी एक्ट्स की लिस्ट दी गई हैं, जैसे कि बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट, द पंजाब लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 एटसेट्रा, टेंथ शेड्यूल में डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डेफिकेशन दिया गया है, इलेवेंथ शेड्यूल पंचायत की पावर से संबंधित है, ट्वेल्थ शेड्यूल म्यूनिसिपैलिटीज की पावर से संबंधित है। अब जो पार्ट हमारे SAS पार्ट टू के सिलेबस में है उनको थोड़ा डिटेल में रीड करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक दिए गए हैं। इसमें लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत, इसके साथ ही इसमें लिखा गया है कि लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं।
फिफ्थ पार्ट द यूनियन, जिसमें आर्टिकल 52 से लेकर 151 दिए गए हैं। इसमें प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल दिए गए हैं, प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर और अदर पावर्स के बारे में भी लिखा गया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की पावर, स्पीकर, दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग के बारे में, मनी बिल्स, अप्रोप्रिएशन बिल्स, वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन क्रेडिट, सुप्रीम कोर्ट, कैग के बारे में भी इस पार्ट में आर्टिकल्स दिए गए हैं। इसके साथ ही एक आर्टिकल इसके बारे में भी दिया गया है कि कोर्ट पार्लियामेंट के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट द स्टेट्स, इसमें आर्टिकल 152 से लेकर 237 दिए गए हैं। जैसे पार्ट फिफ्थ द यूनियंस में सभी आर्टिकल्स यूनियन यानी कि सेंटर के बारे में थे, इस पार्ट सिक्स्थ में सभी आर्टिकल स्टेट के बारे में है। तो स्टेट में गवर्नर होता है, तो गवर्नर के बारे में आर्टिकल दिए गए हैं, गवर्नर की पार्डनिंग पावर, अदर पावर के बारे में लिखा गया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट में एडवोकेट जनरल होता है तो उसके बारे में आर्टिकल दिए गए हैं, सीएम और सीएम की पावर के बारे में, स्पीकर, जॉइंट सिटिंग के बारे में, मनी बिल्स के बारे में, अप्रोप्रिएशन बिल्स, वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन क्रेडिट। स्क्रीन पर नेक्स्ट गलत लिख दिया गया है, तो इसमें आर्टिकल हाई कोर्ट के बारे में दिए गए हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे सिलेबस में है एट्थ पार्ट द यूनियन टेरिटरीज, इसमें आर्टिकल 239 से लेकर 241 दिए गए हैं। ये सभी आर्टिकल यूटीज की एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित हैं। पार्ट नाइन्थ द पंचायत, इसमें आर्टिकल 243 और उसके बाद 243A से लेकर 243O दिए गए हैं। इसमें ग्राम सभा के बारे में और पंचायत की एडमिनिस्ट्रेशन और पावर के बारे में आर्टिकल दिए गए हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नाइन्थ पार्ट द म्यूनिसिपैलिटीज, इसमें आर्टिकल 243P से लेकर 243GG दिए गए हैं। इसमें पंचायत की तरह ही म्यूनिसिपैलिटीज की एडमिनिस्ट्रेशन और पावर से संबंधित आर्टिकल्स दिए गए हैं। नेक्स्ट टेंथ पार्ट है द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, तो हमारी कंट्रीज में अभी भी ट्राइबल एरियाज हैं, जैसे कि आसाम में है, तो उनके कुछ ट्राइबल पार्ट्स को लेकर ऑटोनमस स्टेट्स बनाने के संबंध में आर्टिकल्स दिए गए हैं। इलेवेंथ पार्ट रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, इसमें आर्टिकल 245 से लेकर 243 दिए गए हैं। इसमें सेवंथ शेड्यूल में दी गई लिस्ट के मुताबिक यूनियन और स्टेट की एक्ट बनाने और पावर के संबंध में आर्टिकल्स दिए गए हैं। ट्वेल्थ पार्ट फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, जिसमें आर्टिकल 264 से लेकर 300 दिए गए हैं। इसमें आर्टिकल टैक्स अथॉरिटी, कंटेंजेंसी फंड और फाइनेंस कमीशन के बारे में दिए गए हैं। नेक्स्ट पार्ट 14th सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की रिक्रूटमेंट कंडीशंस के बारे में आर्टिकल्स इसमें दिए गए हैं। रिक्रूटमेंट कंडीशंस जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की रिक्रूटमेंट, उसकी सर्विस के दौरान प्रोविजंस, उसकी रिमूवल डिसमिसल से संबंधित आर्टिकल भी इस पार्ट में मिल जाएंगे। इसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि यूनियन में यूपीएससी है और स्टेट्स में पीपीएससी जैसे कि पंजाब में है, और उनके फंक्शंस के बारे में आर्टिकल दिए गए हैं। 17th पार्ट ऑफिशियल लैंग्वेज, इसमें आर्टिकल 343 से लेकर 351 दिए गए हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के लिए इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित आर्टिकल दिया गया है, और स्टेट के लिए लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन है से संबंधित आर्टिकल भी दिया गया है। इसके साथ ही यूनियन हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करेगा, ये आर्टिकल भी इस पार्ट में दिया गया है। 18th पार्ट एमरजेंसी प्रोविजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एसएएस पार्ट 2 के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पेपर के सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसमें से काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसमें आर्टिकल 352 से लेकर 360 दिए गए हैं।
इसमें प्रेसिडेंट रूल से संबंधित आर्टिकल दिए गए हैं, जैसे कि वार के केस में, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के केस में और फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। वो सभी आर्टिकल इस पार्ट में दिए गए हैं। पार्ट 19 मिसलेनियस, इसमें आर्टिकल 361 से लेकर 367 दिए गए हैं। आपने इम्यूनिटी वर्ड सुना होगा, जो कि प्रेसिडेंट, गवर्नर आदि को दी जाती है। वो सभी आर्टिकल इस पार्ट में दिए गए हैं। कंट्री में मेजर पोर्ट से संबंधित प्रोविजन से रिलेटेड आर्टिकल भी इस पार्ट में मिल जाएंगे। पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आर्टिकल 368 है। इस आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड करने के लिए पावर पार्लियामेंट के पास है बताया गया है, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड करने का प्रोसीजर भी बताया गया है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पार्ट 21 टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, इसमें आर्टिकल 369 से लेकर 392 दिए गए हैं। स्क्रीन पर 393 से लेकर 395 गलती से लिख दिया गया है। इन आर्टिकल्स में उन कंडीशंस को एक्सप्लेन किया गया है जब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में दिए गए मैटर से संबंधित लॉ बना सकती है। J&K के लिए जो आर्टिकल 370 था वो भी इसी पार्ट में दिया गया था। स्पेशल प्रोविजन फॉर J&K, महाराष्ट्र एंड गुजरात और अदर स्टेट्स के लिए भी इसमें दिए गए आर्टिकल्स में लिखा गया है। इस पार्ट में दिए गए आर्टिकल्स में J&K, महाराष्ट्र एंड गुजरात और कुछ अदर स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं। तो दोस्तों, ये था SAS पार्ट 2 के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सिलेबस। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करना मत भूलना और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।